गाजियाबाद में साहिबाबाद पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर पहुंची महिला से मुंशी ने की बदसलूकी, कहा कि कुत्ता बिल्ली पकड़ने का ही काम रह गया हमारा। गाजियाबाद की सोसाइटी में डॉग्स को लेकर हुई मार। सीतापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरई जलालपुर में मरीज के तीमारदारों से स्टाफ नर्स का पैसे लेते वीडियो हुआ वायरल, सीएचसी अधीक्षक को हिस्सा देने की कही बात। कानपुर देहात में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें सामने आई, मरीजों को एम्बुलेंस से ओपीडी तक ले जाने के लिए नहीं मिली स्ट्रेचर, बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर स्कूटी से ले जाते दिखे अभिभावक। आगरा में नदी में नहाने गए दो बच्चों के डूबने से मचा हड़कंप, बच्चों की तलाश में जुटे गोताखोर, एसीपी सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची। रुद्रप्रयाग में दो वाहनों में जबरदस्त टक्कर, हादसे में सात लोग घायल, एक बाइक सवार भी आया हादसे की चपेट। हमीरपुर में बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद ऑटो खाई में गिरा, छह से ज्यादा लोग हादसे में घायल। शाहजहांपुर में रामगंगा में नहाने गए तीन दोस्त डूबे, दो दोस्तों को बचाया गया, एक ही पानी में डूबकर। लखनऊ के अमीनाबाद के गड़बड़ झाला में लगी भीषण आग, आग लगने से तीन दुकानें जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भड़की आग, चारों तरफ छाया धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। मथुरा में खड़ी बस में पीछे से आ रही एक बस ने मारी टक्कर, एक की मौत, छह से ज्यादा यात्री घायल, आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी बस, यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 70 पर हुआ हादसा। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला के पास दो युवकों पर गिरी बिजली, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बदायूं में अचानक से पेड़ गिरने से मची भगदड़, बाल बाल बचे राहगीर, पेड़ गिरने से बाइक और सब्जी फल के ठेले हुए क्षतिग्रस्त, लोगों को भी आई मामूली चोट। बाराबंकी पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे लगाने के दौरान घरों की करते थे रेकी, आरोपियों से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर, 57,000 कैश, बाइक तमंचा भरा। आगरा में स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट से रिजर्व बैंक भेजे गए नोट नकली निकले और अप्रैल में 2,500 के नोट जमा कराने के लिए भेजे गए थे कानपुर, स्टेट बैंक झीपी टोला के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा में नाबालिग बच्ची के साथ ही डिजिटल रेप करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, थाना फेज 2 इलाके में पुलिस ने शुभम नाम के एक आरोपी को पकड़ा, बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने साथ ले जाकर किया था रेप। लखनऊ के नगराम में जमीन पैमाइश के दौरान महिला और उसके पिता की पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई की डीएम से शिकायत, रोती कामती महिला को सीडीओ रिया ने दिया पानी, डीएम ने एसीपी को सौंपी जांच, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मेरठ में एटीएम के कैशियर एजेंट ने बदमाशों से लूटे 15 लाख रुपए, बाइक से एटीएम में रुपए डालने के लिए जा रहे थे कैशियर, बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूट, मवाना इलाके की घटना। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर दो बदमाशों ने बाइक पर किया हाथ साफ, बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, दो तस्करों के पांव में गोली लगी, तमंचे कारतूस पिकअप सहित 6 पशु बरामद। मुजफ्फरनगर में बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से संदिग्ध बाइक, तमंचा, कई कारतूस बरामद, अपराधी पर लूट, डकैत, हत्या और चोरी जैसे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज, 3 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, छात्रों ने वाइस चांसलर पर लगाया तानाशाही करने का। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने दिए करोड़ों के काम, कोरोना काल के दौरान नियम के खिलाफ मनमानी करने का आरोप, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर आरोप। आगरा में अवैध टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 अतिक्रमणकारियों ने कटा चलान और प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप। यूपी के कौशाम्बी में 2022 में महिला बैंक मैनेजर के ऊपर एसिड अटैक करने वाले दो आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई, मुख्य आरोपी सहित दोनों लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। जालौन पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा, आरोपी के पास से चोरी के आभूषण समेत 35,000 नकदी, एक लैपटॉप बरामद, एक तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। पीएम मोदी 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 विश्वविद्यालयों के 4700 खिलाड़ियों को करेंगे सम्मान। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय मधुपुरी की जमीन का भूमि पूजन करने के साथ शिलान्यास भी किया, केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का बखान।
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला टला, मामले में अब अगली सुनवाई 13 जून को होगी। 2009 में करंडा थाने में दर्ज हुआ था केस। पीलीभीत में सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जगा ने निकाय चुनाव में हुई मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा सत्ताधारी पार्टी प्रशासन के दबाव में गड़बड़ी करके सपा प्रत्याशी को चुनाव में हराया। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे टिहरी के भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा टिहरी के विकास को लेकर 2000 करोड़ की बनाई जा रही योजना। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन दिया। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करना चाहिए। रुद्रपुर में वैवाहिक कार्यक्रम में भी पहुंचे थे रंधावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज का दौरा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुद्रनाथ धाम में पहुंचे। शीतकालीन गद्दी स्थल से रवाना हुई भगवान महामहेश्वर की डोली। 22 मई को खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान महामहेश्वर के कपाट। प्रथम रात्रि कवास के लिए डोली पहुंचेगी राकेश्वरी मंदिर नाम से। हरिद्वार के नए जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल 4 संभालते दिखे एक्टिव। हरिद्वार में विकास कार्यों को पूरा करने का दिया संकल्प। कोटद्वार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव में 6 लोगों के कांटे चलाए। मसूरी नगर पालिका परिषद ने मसूरी के 200वें स्थापना दिवस पर किया कार्यक्रम। साहित्यकार इतिहासकारों ने कार्यक्रम का किया बहिष्कार। रुद्रप्रयाग पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान लौट रहा है लोगों के चेहरे पर मुस्कान। नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर यात्रियों की मदद से जुटी मित्र पुलिस। रामनगर के अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार प्रशासन सक्रिय। वन विभाग ने पूछ ली कालू सैयद। नई बस्ती में चिन्हित किया अतिक्रमण। गोंडा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरटीई पोर्टल के से गायब जिले के 751 स्कूलों को जारी किया नोटिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में बुरके वाली लड़की के साथ एक लड़के का वीडियो वायरल। पूछताछ पर लड़की ने कहा एलर्जी की वजह से बुरका पहन लिया। कानपुर में मशहूर पशु आहार बनाने वाली कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा। ठेकेदार पर समय से वेतन न देने का आरोप। पश्चिमांचल के 40 लाख उपभोक्ताओं को जमा नहीं हुआ है बिल और 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने अब तक बिल जमा नहीं कराया है। 40 लाख उपभोक्ताओं पर 9000 करोड़ का बिजली बिल बकाया। जहां कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने शपथ ले ली है जिसमें विपक्षी एकता की संदेश देने की कोशिश की गई। भाजपा से मुकाबले के लिए कोशिशें भी हुई लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से यूपी का विपक्ष लगभग गायब रहा। जिस मंच से सिद्धारमैया सीएम बने और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली उसी मंच से उत्तर प्रदेश के विपक्षी मुख्य दलों की उपस्थिति नदारद थी। एकता के ऐसे आयोजन को विपक्षी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका माना जा रहा था लेकिन मंच पर न तो अखिलेश यादव थे न समय पर जयंत चौधरी पहुँचे। ऐसे में सवाल उठे कि क्या अखिलेश कांग्रेस से दूरियां बढ़ा रहे हैं। एबीपी गंगा ने यही सवाल समाजवादी पार्टी से किया, उनका जवाब सुनिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो देश में सभी गैर भाजपाई पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। अखिलेश की दूरियों पर सवाल कांग्रेस से भी हुए, उनका भी जवाब सुन लीजिए। सब लोग साथ हैं और कहीं कोई उसमें कुछ वो नहीं है। इस देश विरोधी ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए ताकि एक बार हमारा देश पुनः अमन चैन शांति से आगे बढ़े। यूपी में सपा की सहयोगी पार्टी रालोद ने विपक्षी एकता का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला किया। विपक्ष एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। अखिलेश यादव का शपथ ग्रहण समारोह में न जाना और कांग्रेस से परहेज करना रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा का इस पर अलग ही मत है। कांग्रेस को लाइक नहीं करता, विपक्ष में भी कोई पसंद नहीं करते। ना ममता जी पसंद करे, ना अखिलेश जी पसंद करें, ना मायावती जी पसंद करें, दूसरे दल के भी नेता उनको पसंद नहीं करते। ये फेल है पूरी तरीके से। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बेंगलुरु में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने भी कन्नी काटी। कर्नाटक में सिद्धारमैया की ताजपोशी के दौरान करीब 18 पार्टियों की विपक्षी एकता का भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। हालांकि बसपा और आम आदमी पार्टी जैसी कई विपक्षी पार्टियों का शपथ ग्रहण में न होना विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डीके शिवकुमार ने इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली।
सिद्धारमैया की ताजपोशी में विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। कांग्रेस ने 19 दलों को आमंत्रित किया था, जिसमें से समाजवादी पार्टी को छोड़कर 18 दल शामिल हुए। इनमें पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, जेडीयू से नीतीश कुमार, आरजेडी से तेजस्वी यादव, लेफ्ट से डी राजा और सीताराम येचुरी, डीएमके से एमके स्टालिन, एनसीपी से शरद पवार, नेशनल कांग्रेस से फारूक अब्दुल्ला, एमकेएम से कमल हासन और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण में बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों को न्योता नहीं मिला था। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल पर मायावती ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं, ये लोग सतर्क रहे। हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, जिससे कांग्रेस को 2024 के दावों को दम मिलेगा। वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर और आवासीय योजना के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर किसानों के समर्थन में उतरी अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल ने सरकार को घेरने का काम। वाराणसी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले पर लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर किसानों के साथ सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने पल्लवी पटेल और किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद विधायक और किसानों ने जमकर नारेबाजी की। अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल ने किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण का आरोप लगाया। और जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके धन साधन संसाधन, उनके अवसर, उनकी उन्नति, उनके विकास की जो मुख्य धाराएं हैं, उनको जिस प्रकार से लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करने आए। पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को हिरासत में लिया और इको गार्डन लेकर गई, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि वाराणसी के 11 परिवारों को गिरफ्तार किया है। पल्लवी पटेल ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के अंदर किसानों की मांगे नहीं मानी तो पूरे यूपी में आंदोलन होगा। कि आज बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट, वहाँ का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहाँ के किसानों को घर से निकाल निकाल के मार रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 1998 में जमीन अधिग्रहित की थी। कई साल बीत जाने के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया। अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग और जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ किसान लंबे समय से लामबंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं को सुना, उसके समाधान के लिए आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जनता दर्शन किया, लोगों की फरियाद सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीयता पूर्वक बात करके उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया, दुलारते हुए उन्हें चॉकलेट गिफ्ट की। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में हो रहे भागवत महापुराण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यज्ञशाला में हवन पूजन भी किया। 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के फैसले को विपक्ष तुगलकी फरमान बता रहा है। करीब 7 साल के बाद देश में फिर से काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 2000 रुपए के नोट को 4 महीने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले पर सपा ने भाजपा के खिलाफ बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है, 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। सपा प्रवक्ता और पूर्व MLC उदयवीर सिंह ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। मोदी जी की अपनी नीतियों का फेलियर है जो आज आपके सामने आ रहा है, और ऐसा इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक करते रहे। लेकिन 2000 का नोट किसके पास, हमारे आपके पास तो है नहीं, शायद मोदी जी के दोस्तों के पास हो, बड़े उद्योगपतियों के पास हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हो, उनके कार्यालयों में रखा हो।
अभी संकट तो बीजेपी के सामने है कि वो कैसे बदलेंगे। सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। मतलब 2000 रुपए का नोट बंद करने का कोई औचित्य समझ में किसी के भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब काले पैसे की बात धन की बात आ रही है तो उसमें 500 का नोट भी उतना इन्वॉल्व है, बल्कि ज्यादा 500 के नोट के फेक करेंसी ज्यादा पाई गई है। हालांकि अभी 2000 के नोट पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई, अभी 2000 का नोट लेन देन के लिए चलन में रहेगा। 30 सितंबर के बाद नोट पूरी तरह से बैन हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ तो विपक्ष है जो सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं अब भाजपा भी बचाव में उतर आई है। भाजपा के नेता अब इस फैसले के पीछे की वजह बता रहे हैं। इस फैसले के पीछे भाजपा नेता तर्क दे रहे हैं, ये धन माफिया के खिलाफ एक बड़ा प्रहार है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है 2000 नोट बंद करने से अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।